किसान भाइयों, आज हम काली मूज धान की वैरायटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, एग्रीकेएन चैनल में स्वागत है आपका। और अभी तक एग्रीकेएन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपको हर समय खेती की अच्छी अच्छी जानकारी देती रहे करेंगे हम। आज हम काली मूज धान के वैरायटी के बारे में बात करने जा रहे हैं किसान भाइयों। काली मूज धान की यह एक वैरायटी है जो कि बहुत ही कम लोग जानते होंगे काली मूज के नाम पर इसको। यह कंपनी कलस कंपनी का काली मूज धान है। इसका नाम है अमन। धान का नाम काली मूज नहीं लिखा रहता, अमन लिखा रहता है, और जो कि कलस कंपनी का आता है। किसान भाइयों, इसके वैरायटी के विशेषताओं के बारे में बात कर ली जाए तो इसके पौधे का हाइट की बारे में बात कर ली जाए तो इसके पौधे का हाइट होता है 90 से 95 सेंटीमीटर के बीच में होता है। इसके फसल की अवधि की बात कर ली जाए तो इसके फसल की अवधि जगह और मौसम के हिसाब से होता है 120 से 130 दिनों के बीच में होता है। जैसा कि हमने बताया, जगह और मिट्टी के हिसाब से होता है और मौसम के हिसाब से होता है। दिन घटना बढ़ना, यह एक रिसर्च वैरायटी है। रिसर्च वैरायटी की बीज दर की बात कर ली जाए तो बीज दर 12 केजी प्रति एकड़ के दर से लगता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। परंतु आप रोपाई विधि से लगाते हैं तो हाँ किसान भाइयों, इसका सीड ट्रीटमेंट करके ही डालें, या तो किसी फंजीसाइड से या तो किसी भी ग्लूचो या किसी भी चीज़ से आप इसका सीड ट्रीटमेंट ज़रूर करें। आपको बीमारी से बचाना है तो अगर आप नर्सरी विधि से भी डालते हैं तो सीड ट्रीटमेंट करें, या तो छिटका विधि से भी डालते हैं तो सीड ट्रीटमेंट जरूरी। परंतु आप अगर छिटका विधि से लगाते हैं तो 18 से 20 केजी के दर से लगेगा। इसमें कल्लों की संख्या भी बहुत अच्छी होती है। ये रोग प्रतिरोधक भी अच्छा है इसमें। यह एक देसी सेगमेंट टाइप का धान होता है। अगर इसे उत्पादन के दृष्टि से देखा जाए तो 12 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ के दर से उत्पादन देता है। क्योंकि यह खाने योग्य होता है, इस कारण इसका उत्पादन कम होता है, और इसका चावल खाने योग्य है, इस कारण उत्पादन दृष्टि से बहुत कम है। इसके चावल को काली मूंछ चावल के नाम से पुकारा जाता है। और ऐसी ही कोई भी काली मूंछ की वैरायटी की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें और हमारी वीडियो देखते रहा करें। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।